राम रहीम से अस्पताल में मिलने वाला हनीप्रीत का अटेंडेंट पास रद्द कर दिया गया है। इससे पहले जब राम रहीम जेल में बंद था तो उसने हनीप्रीत से मिलने की जिद की थी। उसकी जिद के बाद हनीप्रीत उससे मिलने भी पहुंची थी। वहीं अस्पताल प्रशासन ने हनीप्रीत का पास 15 जून तक का बना दिया था, जिसके बाद खबरें आ रही थीं कि हनीप्रीत 15 जून तक उसकी देखभाल करेगी, लेकिन जेल मैनुअल ने उसका पास रद्द कर दिया है। दरअसल राम रहीम रोहतक की जिस जेल में बंद है उसके मैनुअल के अनुसार उससे उसके परिवार का कोई सदस्य या दूसरा कोई भी व्यक्ति उससे मिलने नहीं आ सकता। रोहतक जेल प्रशासन के विरोध के बाद मेदांता अस्पताल ने हनीप्रीत का पास निरस्त कर दिया है। राम रहीम को मेदांता अस्पताल में 3 स्तरीय सुरक्षा के तहत रखा गया है। जेल से निकलने के बाद राम रहीम की मुख्य सुरक्षा का जिम्मा महम के DSP शमशेर दहिया के पास है, जबकि गुरुग्राम DCP ईस्ट मकसूद अहमद की ओर से 3 ACP और 3 इंस्पेक्टर के साथ 55 जवानों को मेदांता के आसपास तैनात किया गया है। हरियाणा पुलिस के जवान मेदांता के कंट्रोल रूम में लगे CCTV कैमरे पर नजर रख रहे हैं। इसके साथ ही 43 एकड़ में बने मेदांता अस्पताल की सुरक्षा में 248 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। इन पर नजर रखने के लिए 225 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हरियाणा पुलिस के जवान 9वीं मंजिल पर लगे 16 कैमरों के स्क्रीन पर नजर रख रहे हैं। रोहतक पुलिस ने 12 मई की रात को जब राम रहीम के PGI में दाखिल हुआ था तो उसके परिवार वालों से मिलने नहीं दिया था। आपको बता दें कि राम रहीम को उपचार के चलते PGI रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। उसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क है। जेल से निकलने के बाद रोहतक पुलिस की ओर से DSP महम के नेतृत्व में 12 पुलिसकर्मियों को उसके साथ भेजा गया है, जो उसकी सुरक्षा में 9वीं मंजिल पर तैनात है। न्यूज डेस्क।